इतना पागल नहीं है कि मेल आने के बाद मोनेटाइजेशन ऑन ना करे। मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं हंसते हुए वीडियोस बना रही हूँ। हंस कब रही हूँ, कितना रही हूँ, ये आपको पता भी नहीं। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा है, डिनर की तैयारी हो रही है। मतलब डिनर में हल्का ही बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी है और दही रखा है, तो देखती हूँ रायता बनाऊँगी, नहीं तो फिर दही ले लेंगे और पराठे हो जाएंगे। तो जिग्गी क्या कर रही है वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। जिग्गी को पानी से इतना प्यार है ना, महिमा को थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी, वो पाइप जैसे ही लेके ऊपर जा रही थी तो वो समझ गई कि बस पानी से कुछ काम होने वाला है, भाई पीछे भाग गई वो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी, क्योंकि कपड़े लेके जाती हूँ, कपड़े चेंज कराने पड़ेंगे और अब तक तो गीले हो गए होंगे आई थिंक। तो चलिए दिखाती हूँ जिगीशा मैडम को, कपड़े ले लेती हूँ एक मिनट में। क्या कर रही हो हाँ? कपड़े गीले हो गए जिग्गू, कपड़े गीले कर लिए तुमने? तुम कोई हेल्प तो कर नहीं रही हो बेटा है? तुम गाइस को बताओ क्या कर रही हो, बताओ। ये खेल रही है ये। भैया मुझे मत भिगाओ, मुझे नहीं भिगाओ, कपड़े तो मैं लाई हुई देखो तुम्हारे। कोई हेल्प कर भी रही है? ओ, पाइप लेके आई है, वाह। बर्तनों पे भी हाँ, वो निशान है, वो नहीं जाएगा। आओ यार, इसके तो कपड़े यहाँ टंगे ही थे, मैं बेकार ले आई। मेरा काम काजी बच्चा। अब तुम डालो, यहीं से डालना जहाँ खड़ी हो। A few moments later. So friends, जिग्गी पानी वगैरह खेल के आ गई है नीचे। मैंने इसके कपड़े चेंज करा दिए हैं। यहाँ पे नाना और जिग्गी की बहस चल रही थी। जिग्गी को देखना था कार्टून और नाना को देखना है न्यूज़, तो बस वही चल रहा है। और देखिए रात के टाइम में ग्रेप्स खा रही है, मानती नहीं है बच्चे। और मैंने भिंडी काट दी है, तो बहुत सिंपल सी भिंडी बनाने वाली हूँ। फ्री टाइम में मैं जब होती हूँ ना तो मैं गार्लिक पील करके रख लेती हूँ, थोड़ा इजी पड़ जाता है। और मैंने लहसुन, हरी मिर्च और हींग का तड़का लगाया है, साथ ही भिंडी ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला इसमें। बीच बीच में चलाते हुए मैं इसको खुला ही पकाऊंगी, धीमी आंच पे। मैं भिंडी को ढक के नहीं पकाती हूँ, बस धीमी आंच पे रख देती हूँ और बीच बीच में चलाती रहती हूँ। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। क्यों तुम गिराने तिराने वाले खेल क्यों खेलती हो? कुछ भी कैसे खेल सकते बच्चे? देखो ऐसे ठीक है, उसने गिरा दिया। वो तुम बहुत शैतान है, कुछ भी कैसे खेलते बच्चे। जाओ नाना साथ बैठो, जाके जाओ। हाँ तुम्हारा मोटू पतलू नहीं लगाया, क्या कह रहे हैं? 9 बजे आता है ना? अब मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ? नाना के पास। क्यों गुस्सा हो गया? दिखाओ, गुस्सा हो गया मेरा बेटा। अच्छा चलो वहां बैठो, ऊपर बैठ जाओ। हाँ यहाँ बैठ जाओ।
यही खेल लो, चलो कोई बात नहीं। तो जितनी देर जिगी खेल रही थी उतनी देर में मेरा खाना भी लगभग तैयार हो गया है। भिंडी बन के रेडी है और जिगी के लिए बनाई है स्टार वाली रोटी, तो जल्दी जल्दी में स्टार अच्छा नहीं बना। और बस हम लोगों के लिए है सर्कल वाली रोटी। पापा ने पराठे के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा रोटी बना लो, तो बस फटाफट से रोटी बनाई और हम लोगों ने डिनर कर लिया। उसके बाद मैं करा रही हूँ जिगी का होमवर्क, जो कि आज दिन में नहीं किया था। ABCD करोगी? मैम खुश हो जाएगी। हाँ मैम खुश हो जाएंगी। ये तो जिगी कर लेती है, इजीली कर लेती है। आप तो मैम नहीं काट पाएंगे ना? हाँ। आप तो मैम जिगी सही जगह लिख रही है। ओके गाइस, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और कल है संडे, तो फिर हम लोग थोड़ा लेट भी सो सकते हैं। तो मैंने सोचा जिगी का होमवर्क दिन में नहीं हो पाया क्योंकि वो सो गई थी शाम के टाइम थोड़ा, तो बस वो अभी वही कर रही है। तो मैंने सोचा रिटर्न होमवर्क करा देती हूँ, तो कल ओरल कराऊंगी। 3 तारीख से जिगी के एग्ज़ाम भी हैं और उसकी भी तैयारी करानी है। आज सैटरडे है, कल संडे है। बोलो। अब मैं एक सुखी तब आपको देख आपको दिखाऊंगी, ठीक? ठीक है, जब जिगी लिख लेगी तब आपको दिखाएंगे, ठीक? तब तक के लिए नहीं भाई। तो गाइस, जब तक जिगीशा होमवर्क कर रही है और तब तक मैं कुछ ऐसी बात करना चाह रही थी। मैंने लास्ट जो वीडियो पोस्ट किया था अपनी, जिसमें पेमेंट रिवील करी थी, उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट आए, हालांकि नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव थे। इनफैक्ट नेगेटिव 3 या 4 कमेंट थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही बंदों ने, एक ही बंदे ने 3 मैसेज करे और एक ने एक, तो वो 2 ही लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया मुझे अभी तक तो। और क्योंकि मेरे पास ब्लॉग्स एडिट नहीं हो पाए इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं कर दिया उन्होंने। बट एक लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ऐसा बोल दिया कि मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं हंसते हुए वीडियोस बना रही हूँ और क्या कहते हैं, अभी हाल ही में मेरे हस्बैंड गुजरे हैं और इनफैक्ट मुझे मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद व्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए। तो उनको अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा जवाब यही है कि आप ही जैसे लोग हैं जो शायद अगर जिनका बस चले तो आज की डेट में फिर से वो कुछ सती प्रथा जैसी प्रथाओं को वापस से जिंदा कर दें और क्या कहते हैं, जब हस्बैंड जाए तो वाइफ को ज़बरदस्ती उसके साथ मतलब दफन कर दो, जला दो, और अगर बच्चे हैं तो उनको अनाथ कर दो। और अनाथ क्यों करना, मैं तो कहती हूँ कि इनके जैसे लोग कहें तो फिर मतलब बच्चों को भी साथ में निपटा दो। मतलब सिर्फ उस ज़माने में नहीं, अभी आज के टाइम में भी लोग ऐसे हैं कि मतलब अब हस्बैंड गया तो मुझे हंसने का भी राइट नहीं है। हस्बैंड के गए हुए कितना वक्त हुआ है ये आपको पता भी नहीं, मैं हंस कब रही हूँ, कितना रही हूँ ये आपको पता भी नहीं। खैर ठीक है, आपकी सोच है, आप अच्छा लगा आप आए, आपने देखा मेरा वीडियो। और एक लोग हैं जिन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरी इनकम इतनी आई और कोई इतना पागल नहीं है कि मेल आने के बाद मोनेटाइजेशन ऑन ना करे। तो मैं बता दूँ, उस वक्त मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैंने एक ब्लॉग डाला भी था जिसमें मैंने थैंक यू बोला था, और मेरी नहीं मतलब मेरी ही नहीं जिक्की की भी तबीयत ख़राब थी, हम दोनों ही बीमार थे। और मैंने मेल देखी, और जब आपको कोई आइडिया नहीं होता है, कई बार हम चीज़ें नहीं जानते हैं, मुझे लगा कि यही क्राइटेरिया होगा कि भाई 4000 आर का मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम के बाद जितना भी वॉच टाइम होगा वो काउंट हो जाएगा, मुझे नहीं आइडिया था। और झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, खैर मुझे झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं। फिलहाल आपने नहीं माना, बाकी मेरे सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने, जो मेरी फैमिली हैं, जो मुझे परिवार जैसा फील कराते हैं, उन्होंने यकीन किया मेरी बात पे
और सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, जिगी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, उन सभी लोगों को बहुत 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 थैंक यू। और ये मत सोचिएगा कि मतलब ये नेगेटिव कमेंट्स के रिप्लाई मैं यहाँ क्यों दे रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ बुरा लगा। मुझे पता है कि मैं जितना आगे लाइफ में बढ़ूँगी ऐसे तो लोग ट्रॉल करने के लिए आएंगे ही आएंगे, नेगेटिविटी झेलनी ही पड़ेगी, अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी। खैर, इन लोगों को इग्नोर करते हुए मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखिए गाइस, जिग्गी ने पूरा होमवर्क कर लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले अच्छे से, ये देखिए। अब मैं मां बात करूंगी ऐसे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये क्या लेके आई हैं आप? ये है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक लेके आना अलाउड नहीं है स्कूल में। नहीं, हम यहाँ पे आया था, मैंने बाहर से नहीं मंगाया था। अपने यहाँ बना लेते हैं आप कोल्ड ड्रिंक। बना के दिखाओ, स्टोन वाली कोल्ड ड्रिंक है तो संभल के रहना पड़ेगा भैया, पता नहीं क्या क्या कर देगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप जी को सुलाऊंगी और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।